मनासा पोस्ट ऑफिस कार्यालय से डाक विभाग के अभिकर्ता अनुराग शर्मा मनासा का नोट से भरा बैग अज्ञात बदमाश ले उड़े। मामले की तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। थाने से महज आधा किलोमीटर दूर घटना स्थल पर चंद मिनटों में पुलिस पहुंच गई, मगर तब तक बदमाश हाथ की सफाई दिखा चुके थे। मामले में डाकघर के अभिकर्ता अनुराग ने बताया कि वो डाक विभाग के खाता कनेक्शन अभिकर्ता हैं और प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन राशि जमा कराने आते हैं। रोज की तरह बुधवार को भी जब वो दोपहर 1 बजे बाद डाकघर पहुंचे और बाहर एजेंट के टेबल पर बैठक कर कुछ रुपए जमा करने की कागजी औपचारिकता कर रहे थे, उसी समय उनको प्यास लगी और वो उठकर पानी पीने गए। तभी 10 मिनट बाद वापस आकर देखा तो टेबल पर रखे बैग में करीब 2 लाख रुपए की राशि बैग सहित गायब थी। टेबल पर से बैग गायब देखकर उनके होश उड़ गए। तत्काल उन्होंने घटना की सूचना अपने बड़े भाई प्रशांत शर्मा को दी और उन्होंने पुलिस को फोन किया। मौके पर मनासा पुलिस ने पहुंचकर डाकघर के पास जिला सहकारी बैंक व सेंट्रल बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मगर कुछ खास नहीं मिला। दोपहर 1:30 बजे हुई घटना के बाद शाम 6 बजे तक पुलिस शहर के हर गली कॉर्नर पर निजी दुकानों और घरों के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही, मगर फिलहाल बदमाशों का पता नहीं चल पाया। मामले में सब इंस्पेक्टर फतेहलाल आंजना ने बताया कि डाकघर से एजेंट के रुपए से भरा बैग गायब होने की सूचना मिली है। अनुराग शर्मा की शिकायत पर मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 379 में मामला दर्ज कर जांच में लिया है। बहरहाल मनासा में करीब 1 वर्ष से अधिक समय बाद इस तरह के बैंक के पास बैग गायब होने की घटना सामने आई है। पूर्व में स्टेट बैंक के यहां से एक वृद्ध दंपत्ति का 1.5 लाख रुपए से भरा बैग अज्ञात बदमाश उड़ा ले गए थे।